अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ राइस, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, ऑयल हल्का सा डाला है। तो मेरे पास चने बने हुए थे, तो रोटी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से राइस बना ही लेता हूँ मैं। तो इसमें डालूँगा मैं 1 चम्मच चने का, सालन मेरे पास बना हुआ है। तो मैंने 2 चम्मच चने के डाल दिए, ठीक है। तो साथ में ये राइस है, दूसरे वनस्पति नहीं है, ये दूसरे चावल हैं, सैला चावल हैं, तो इनको थोड़ा सा उबाल कर लेता हूँ, एमरजेंसी वाले हैं। और इसमें पानी ऐड करूँगा थोड़ी देर में, 1.5 गिलास। 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं राइस सैला वाले। तो 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल के रख दिया है, और आँच जो है मैंने तेज कर दिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 3-4 मिनट बाद मिलते हैं, थोड़ा पानी को उबाल आ जाए अच्छे से। तो पानी को उबाल अच्छी तरह से आ गया है, तो साथ में हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं। हम इसमें ऐड करेंगे अब राइस, थोड़े से उबाल किए थे मैंने, अच्छे से गल जाए जल्दी। राइस मैंने डाल दिए हैं चावल, इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे ताकि जो बाकी कसर है निकल जाए, आँच थोड़ी सी हल्की कर देंगे, इतनी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। साथ में मैं बिरयानी मसाला भी डाल दूंगा थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी खुशबू सी आए, शान प्रैनी, तो ये भी डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो पानी थोड़ा रह गया, तो इसको बिल्कुल हल्की आँच रख देंगे। और साथ में पुदीना डाल दिया मैंने थोड़ा सा, तो आधा घंटे के बाद मिलेंगे हम, आपके पास आएंगे आधा घंटे के बाद। तो चलते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं। जी, मैं आधा घंटे के बाद वापस आ गया हूँ, तो अभी चेक करते हैं। माशाल्लाह हमारे राइस रेडी हो गए, तो चलते हैं फिर इसके इसको करते हैं डिश आउट, तो खाते हैं फिर मज़े मज़े से। आहा, चने वाले राइस। तो डिश आउट कर दिए मैंने, देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। वो जब नीचे जो रह जाती है इसको मरुकनी, लाल लाल जो चावल हैं, इसका बड़ा टेस्ट होता है। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।